स्टूडेंट्स, एज वी हैव कम्प्लीटेड द प्रीवियस वीडियो दैट वॉज द चैप्टर ऑफ 5 एंड दिस वीडियो इज फॉर क्लास 10th. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट अ साइंटिस्ट who received various awards and also fame in internationally he got those awards and fame. This chapter is written by Robert W. Peterson. I will write here Robert R O B E R T, Robert W. Peterson, P E T E R S O N, Robert Peterson. Okay. So, this chapter is about a scientist. His name is Richard E. Bright. See here is something written. Richard E. Bright has received the Searle Scholar Award and Schering Plug Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. मतलब ये उनकी इच्छा थी कि साइंस बटरफ्लाई को कलेक्ट करना, जो साइंस में उनका इंटरेस्ट जगा दिया. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्कॉट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. जब वो 22 एज के थे, उससे पहले उनको स्काउट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका था, तो वो उन्होंने एक थ्योरी डेवलप किया जिस थ्योरी में कहा गया था सेल्स कैसे वर्क करते हैं, सेल्स के कैसे फंक्शन होते हैं, ये बताया गया था. रिचर्ड एच ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन an article in Proceedings of National Academy of Science. ये एक तरह का pamphlet होगा या magazine होगा उस college का या university का, उस National Academy of Science में इन लोगों का वो theory develop किया गया था, लिखा हुआ था. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. और ये पहली बार था कॉलेज का जर्नल जो था जिसमें स्टूडेंट्स का खुद का वर्क था जिसको पब्लिश किया गया था. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. देखिए इसका मतलब है होम रन का. अ होम रन इन द गेम ऑफ बेसबॉल इज व्हेन द बैटर स्कोर्स अ रन आफ्टर रनिंग सेफली अराउंड द बेस एंड बैक टू द होम प्लेट विदाउट स्टॉपिंग. अ बॉल हिट आउट ऑफ द प्लेइंग फील्ड इज आल्सो कॉल्ड अ होम रन. Getting a paper published at the age of 15 in a scientific journal is here compared to scoring a home run while batting for the first time. मतलब first time में ही वो batting कर रहे थे. ये इसको हम एक तरह से कहेंगे वो एक fresher थे और किसी job में fresher होने के कारण fresher को उतना experience नहीं होता है, तो इस तरह से इन्होंने भी पहले बार जो साइंटिफिक जर्नल में अपना आर्टिकल दिया दैट वाज वेरी ब्रिलियंट आइडिया. ओके, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था उनके लिए वो.
For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements in science. बहुत सारे अचीवमेंट किए, उसमें से ये पहला था. एंड अदर फील्ड्स, एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाईज. और इनका इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ, तो बटरफ्लाई से स्टार्ट हुआ. वेरी इंटरेस्टिंग द स्टोरी इज. ये चैप्टर जो है एक हम कह सकते हैं बायोग्राफी है एक साइंटिस्ट का, रिचर्ड ईब्राइट का. ओके, सो लिसन केयरफुली एंड यू विल बी एबल टू गेट सम नॉलेज दैट हाउ टू वॉक फॉर आवर करियर. ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड वी शुड ओनली फोकस ऑन आवर करियर. आइदर द सिचुएशन इज नो प्रॉब्लम, वॉट एवर इज गोइंग ऑन. ओके, सो एन ओनली चाइल्ड, ईब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसलेवेनिया, दैट वॉज द नेम ऑफ प्लेस. देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड. आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स. मतलब ये ऐसे जगह पर रहते थे जहाँ पे कोई फुटबॉल मैच या बेसबॉल मैच हम लोग नहीं खेल सकते हैं, एरिया ही वैसा नहीं था. लेकिन ये कह रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ एक चीज कर सकता था, कलेक्ट द थिंग्स, कलेक्शन ऑफ टू मैनी थिंग्स. अब क्या क्या कलेक्ट करते थे वो आगे बताया गया होगा. सो ही डिड, और ऐसा ही किया उन्होंने. एंड डिड ही एवर, और हमेशा के लिए किया, ऐसा करते रहे वो. बिगनिंग इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन केजी क्लासेस में जब थे वो, ईब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज. मतलब ऐसे डिटरमाइंड होकर के वो कलेक्ट करते थे कि सारे एक्टिविटीज उनके जो थे उसी पे सीमित थे. ही ऑल्सो कलेक्टेड, इसके अलावा, बटरफ्लाई के अलावा उन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया है वो है दिया हुआ, रॉक्स, फोसिल्स एंड कॉइन्स. ही बिकेम एन एगर एस्ट्रोनोमर, एक एस्ट्रोनोमर भी हो गए वो. टू, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, क्योंकि कभी कभी वो तारों को देखा करते थे सारी रात, इसलिए उनको कहा गया है एस्ट्रोनोमर भी. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड द ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद द ब्राइट माइंड. ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. अब इनके पास इनकी मम्मी थी जो इनको इनकरेज किया करती थी, इनके जो भी इंटरेस्ट थे उनमें, सीखने में. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, ट्रिप पे ले जाया करती थी इनकी मदर इनको. बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज. मतलब जब ये बच्चे थे तभी से इनको ये सारी चीज़ें उनको खरीद के देती थी, ट्रिप पे ले जाया करती थी. तो दीज ऑल द थिंग्स, ऑल द एक्टिविटीज, वट एवर हर हिज मदर डन फॉर डिड फॉर हिम वॉज इनकरेजमेंट टू इनकरेज हिज चाइल्ड टू बी अ वेरी गुड पर्सन. यू कैन से अ साइंटिस्ट, टू चूज अ करियर, टू बिकम समथिंग इन हिज लाइफ. ओके, सो let it be for today. Next day we will continue after this. Okay, thank you, have a nice day.